देखिए, अब मैंने whom कर दिया है, where से, how से, which से, why और what से, ये पांच से ज्यादा कंटिन्यूअस में सेंटेंस बन सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, पहले हम where की बात करें। तू बता, पहले ये बोले सच्चे, तू बता where से क्या सेंटेंस बनेगा क्वेश्चन, तू सोच ले। सोनी, where are you क्या? Sir, where are you sir? ठीक है, where are you going? Sir, where is Taj Mahal? नहीं, तो फिर वो continuous नहीं होगा। Where are you going? हाँ, where are you going to celebrate Diwali this year? आप इस साल दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ठीक है, इस तरह से आप लोग को पता ही है कि आप लोग च्यवनप्राश खा के इंटेलिजेंट बच्चे बन चुके हैं। हाइप शुरू में लगा दिए, तुम तेरा वेयर आया ही नहीं, सब देख लिया वेयर को छोड़ के तुमने। ओके, अब हाउ देख लेते हैं। हाउ आर यू? ठीक है, स्पोकन है सबसे पहले। हेलो, हाउ आर यू? अब फाइन, थैंक यू मत बोल। आस्था और निहांशु को मौका देते कि एक सेंटेंस हाउ से बोलेगा, जल्दी बोलो। हाँ आस्था, बोलो। हाउ मतलब कैसे होता है, पता है ना आपको? बताइए। ये तो बेटा प्रेजेंट सिंपल। हाँ बोलो। चलो कोई भी बोलो, तुम बोलो भाई अमन। हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क? हाउ कैन इट पॉसिबल? मेरी बात एक सेकंड, अगर आपको इनसे खेलना आ गया ना, तो मतलब स्पोकन में आप क्वेश्चन वाले लाइन में कभी बैठे नहीं रहेंगे। स्पोकन का मैं मानता हूं कि 30% क्वेश्चनिंग और 70% आपका रिप्लाई। हाँ, 30% ही क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। बोलो बेटा, हाउ आर यू मेकिंग रंगोली? हाँ तो समझ गया ना, लिखना। ओके, हाउ हो गया, विच क्या करके हम लोग नमस्ते करें इस लेंस को। विच मतलब कौन होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, जैसे पेड़ पौधा टेबल इन सब चीजों के लिए। और हु का मतलब भी कौन होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। चलो मैं यहां लिख ही देता हूं, व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, पर्सन के मतलब आदमी के लिए, लिविंग के लिए। आदमी लिखो, नहीं तो लिविंग में पेड़ पौधा भी डाल दोगे। मतलब आदमी के साथ औरत भी इंक्लूड है। हुज मतलब किस का, किसकी। हु मतलब किसको, किनको। वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन, और मैंने लिखी दिया है नॉन लिविंग थिंग। अब तो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ऐसे है ना, ये वाले जो देख रहे हैं ना, ऐसे में आपको कम से कम 50, 60 या 70 वर्ड का हिंदी में और विद एक एक सेंटेंस लिखा हुआ मैं आपको भेज दूंगा, चिंता मत करें। अभी रहा विच, विच मतलब कि कौन, ठीक है, बोलो विच इज योर कार, विच इज योर कलर ऑफ द कार,
नहीं, इसको आपको कंटिन्यूअस बनाना है ना। अरे क्या नाम, ये बढ़िया है बोला आर्य भट्ट, फीमेल आर्य भट्ट। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको पता है हम लोग की जो बुक में क्वेश्चन लिखा रहता है ना, वो तो हम लोग पढ़ते हैं और ये जानने की जरूरत भी नहीं हमको होती कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, जानना है नहीं जानना है, छोड़ दो, हटाओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा वो, ठीक है, तो समझ रहे हैं, विच से भी बन जाएगा। अब चलिए परफेक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, नो नो सॉरी, सिंपल पास्ट कर ले। अगर नमस्ते बेटे, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, अब आपको रिटेन वर्क भी मिलेगा, होमवर्क मिलेगा सब बच्चों को, जिनकी इच्छा होगी वो उसी को करना है, और जिनको इच्छा नहीं होगी उनकी इच्छा डंडे खाने वाली बनाएगी। तो सिंपल पास्ट मतलब है ना, जाता था, गया था, आया, गया, सोया, खाया, रोया, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो पास्ट में हो गए। तो इसका एफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव एक तो आपको जानना चाहिए, मैं दो तीन सेंटेंस बता देता हूं आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सावधानी ये रखना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव और निगेटिव बनाने में डिड का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल एफर्मेटिव की बात करें तो या, जैसे कि खाया, सोया, आया, इस तरह के सेंटेंस लास्ट में, मतलब कि हिंदी भी इसी तरह होता है। अगर एफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही वेंट देयर, वह वहां गया, सॉरी, ही वेंट देयर, दे walk in the park, वो पार्क में टहले, कहां टहले थे भाई, तो पार्क में टहले थे वो लोग, पार्क, वे लोग पार्क में टहले थे या टहलते थे। कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि था, थे, आ ही जाए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, आया था, गया था, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब तक इस हिंदी का है ना, आप लोग दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं ना, हमारे टीचर ने हमको बोला, टीचर नहीं, जो मेरे सीनियर थे जब हम लोग नाइन्थ में थे, बोले कि आप जब डिक्शनरी खरीदते हैं ना, जो लोग हिंदी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, जिस दिन वो इंग्लिश वाले वर्ड को इंग्लिश में ही समझने स्टार्ट कर देंगे, एक्सप्लेन होता है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होते, समझना ही स्टार्ट कर देंगे, उस समय उनकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी अधिकतर वही होती है। आप इंग्लिश में कोई भी अगर वर्ड लिखा है ना, तो विश्वास करिए उसका जो इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दिया रहता है, वो जान बूझ करके इतना आसान दिया रहता है कि पांचवी क्लास का बच्चा भी समझ जाए, बड़े क्लास के बच्चे की बात है। तो हमें कभी भी डिक्शनरी में जब वर्ड देखना चाहिए तो हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आदत लगाइए, अभी तो पता नहीं कितनी आदत लगाई। They walked in the park. I slept at night in the night, बहुत सारी चीज हो जाएगा। I slept at night. स्लीप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। अच्छा, स्लीप का वो फॉर्म्स बताइए। नहीं पता, अभी मैंने बता दिया, करें वर्ब फॉर्म स्लीप का पता नहीं। शिवम तुम बताओ, कौन सा फॉर्म सेकंड, थर्ड या फोर्थ। भाई कति लड़का मेहनत कर रहा है, पबजी की चल रहा है, उसको निकलता है ना,
या तो मेहनत कर रहा है बच्चा, पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है, गुड। सिक्स में थोड़ा बहुत साक्षी अच्छा कर रही है, इंटरेस्ट दिख रहा है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और नहीं तो उसके बाद मेरे को या तो टाई मान लो तो शिवम ही कर रहा है जो कर, जिसको आप मानते हो ना कि वो कुछ नहीं कर सकता, वही छुपा रुस्तम, और करके दिखाएगा इतना बड़ा काम ना कि जल्दी ही पासा पलट जाएगा। जिंदगी में उसे आगे बढ़ना है जो मेहनत करेगा और जिसमें सीखने का शौक होगा। नहीं कहते आपकी हॉबी क्या है, हॉबी सीखने वाली हो जाएगी ना तो बड़ा अच्छा है। पढ़ने वाली किसी का ना हॉबी क्या है, वॉलीबॉल खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं हॉबी, अरे पढ़ने का भी हॉबी बना लो कोई, पढ़ने का ये तो मजबूरी में कर, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देखिए, महानुभव मतलब नहीं गया था, नहीं आया था, नहीं सोया था, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट, अब यहां देखिएगा, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जब कर रहे थे तो डू और डज का नाटक था उसमें, कि जो सिंगुलर होगा उसमें डज लगाते थे और जो प्लुरल था उसमें डू लगाते थे, याद है ना सबको। लेकिन हमें यहां पर कोई टेंशन नहीं, सीधे सब्जेक्ट कुछ भी हो केवल डिड लगाते हैं, नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म, प्लस आई एम नॉट, सॉरी सॉरी, फिर कंटिन्यूअस थोड़ा है ना, अभी चला गया। आई डिड नॉट स्लीप एट नाइट, मैं बोलू अभी देखो, अभी पापा पैसा देके गए, अभी जेब में ही है, परसों भी नहीं रखे। आई डिड नॉट स्लीप एट नाइट, गलती से घर का फोटो सर। हमेशा जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे सिंपल पास्ट का या सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमने एज इट इज स्लीप लिख दिया, इसमें एस एस कभी नहीं लगाएंगे, फिफ्थ फॉर्म का कंफ्यूजन मतलब मन में पालिएगा। नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, सिंपल पास्ट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये नेगेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव बताऊंगा, अगर नॉट लग गया तो डिड ही लगेगा, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब है गो तो गो लिख देंगे, ईट तो ईट लिख देंगे। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, बात खत्म, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे या उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद अगर हम ही की बात करें, ही डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया, सिंपल सी बात है ना। अब जैसे अगर मैं कहूं क्या उसने आम खाई थी तो कैसे बनाएंगे, नहीं करा कि नहीं, अरे इंग्लिश में बनना है। अब बताओ मैं, क्या उसने आम खाया था, डिड ही ईट मैंगो। इंटरोगेटिव में भी हमको वही करना है जो भी मैं आपको बताएंगे, कोई आपसे पूछे डिड यू ईट मैंगो, आई डिडंट ईट मैंगो, बात खत्म, आई डिड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। लेकिन जैसे अभी तो आपको ग्रामर सिखाया जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सबको सॉर्ट करते जाना है, पहले आप बेस मिलेगा तभी तो आप उसमें, अगर आपके पास मान लीजिए कि वही रोटी है और वही दाल है तो आपके पास ऑप्शन कहाँ है कुछ काटने और छाटने का, दाल रोटी थाली में रखी है चौधरी की तरह, नहीं दाल नहीं खाएंगे, आज सब्जी खाएंगे, अरे सब्जी हो भी तब तो ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। लेकिन अगर आपके पास सारा फ्रिज भरा पड़ा है तो आपके पास ऑप्शन है, तो फ्रिज तब भरा रहेगा जब इंग्लिश का बेस बन जाएगा आपका पूरा, आपके पास हजारों तरह के वर्ड्स होंगे हर चीज के लिए। आप लोग वर्ड कलेक्ट करते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर, आप लोग सॉरी नहीं करते, मैं आपको बिना मतलब का बढ़ाई दे दिया, बढ़ाई आप लोग से छीन लिया मैं। हम लोग जो वर्ड्स कलेक्ट करते हैं उस वर्ड्स को के कलेक्शन का भी एक तरीका है, इन्हें कोई वर्ड उठाया सीधे डायरी में ठूंस दिया और डायरी पे धूप बत्ती जलाई एक अगरबत्ती खोज दी, किस वर्ड को किस तरह से सीरीज में अरेंज करना चाहिए। हमारा ब्रेन है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी
ट्वेल्थ क्लास में इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ाते हैं, इलेवेंथ क्लास से पढ़ाया था, तो डाटा का क्या इंपोर्ट, अभी एट क्लास में डाटा इंट्रोड्यूस हुआ था ना थोड़ा बहुत आप लोगों को, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, डाटा कंपेयर करने के लिए और चीजों को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सुविधाजनक। एक बार जब वो बार ग्राफ या पाई चार्ट आप देखते हो तो देखते ही आपको पूरा मामला समझ में आ जाता है, ठीक है। और वही चार पांच लाइनों का पैराग्राफ लिखा हो ना तो दिमाग घूमता रहता है। तो उसी तरह जो वर्ड्स आपके हैं, अगर एक ही जगह सारे तरह के वर्ड्स होंगे तो आपका कोई फायदा नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से वर्ड्स को भी अलग अलग अरेंज किया जाता है आपके स्पोकन के लिए। सोशल इशू पे कौन से वर्ड्स आ रहे हैं और कहां पे अरेंज होंगे, हम जब बातचीत करते हैं तो कहां वर्ड और किस तरह से अरेंज होना चाहिए, पहले मैं आपको लिखवाऊंगा और उसके बाद आप जब न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको इससे जबरदस्ती पढ़वाया जाएगा, तो आप लोग खुद ही मतलब कि वो जान जाएंगे कि ये वर्ड कहां है। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, अब स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़ा, अभी मैं आपको बताऊं कि जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है ना, मतलब कि अच्छा खासा इंग्लिश जानते भी है, स्पोर्ट्स वाला आर्टिकल जब आता है ना तो वहां पे ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं हम लोग ही खुद नहीं समझ में आता ये कैसे यूज किया गया, क्या इसका सेंस होगा। तो हर तरह के आर्टिकल आदमी को पढ़ने चाहिए, चाहे एक छोटा सा पढ़ लो, ठीक है। इसको खत्म करने के बाद, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देखने को। तो जो भी आपको वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, हमारा पर्पस स्पोकन है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। स्पोकन में हमारा पर्पस अभी है कि हम एक लेवल में हो जाएं, हमारे सामने अभी दिल्ली की कोई भी स्कूल का लड़का खड़ा हो तो हम, ये नहीं पता वो हारेगा कि नहीं हारेगा, लेकिन ये मुझे जरूर पता होना चाहिए कि हम उससे नहीं हारेंगे और ब्लैंक नहीं हो जाएगा ब्रेन हमारा, तो बस उसके लिए तैयार होना। देखिएगा, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव भी बता देते हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है छोटे बच्चों को ये सब आ रहा है ना। एक ही बच्चे के पास केवल फोन नहीं है, कहाँ है बच्चा, हाथ उठाओ बस, और सभी बच्चों के पास फोन, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेरा फोन। ये कहता है कि जिस दिन आप मम्मी से कर दीजिएगा अगले दिन ही फोन आ जाएगा, बस काश मुझसे पूछ करके ना सब लोग फोन खरीदते बच्चों का, तेरा फोन तो अब कभी नहीं आएगा। देखिएगा इंटरोगेटिव, नवंबर से आप लोगों का कॉम्पिटिटिव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाला, आपको बैठना है, इंजॉय करना है, स्वाद पढ़ाई का चढ़ जाए उससे बड़ा कोई स्वाद। और मैंने देखा है जो सबसे अधिक नालायक बच्चे होते हैं ना, जब उनके दिमाग में सनक आ जाती है तो फिर वो लौट के नहीं जाते, क्योंकि पहले उन्होंने देख रखा है ना कि वहां मजे कुछ नहीं। पढ़ने वाला लड़का जब डिस्ट्रैक्ट होता है ना तो टाइम लगता है उसको लौट के आने, लेकिन जो पहले ही पबजी सब्जी ये वो सब करके बैठा हुआ है, वो एक बार लाइन पे आ गए तब भैया उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। बेटे पीछे होके बैठो, दीदी को नहीं दिखेगा, सोनी चाहिए तो कुछ ऐसे कर। देखो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सॉरी डीड प्लस सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, जैसे देख डीड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला था या क्या वह क्रिकेट खेलता था, ठीक है, नहीं आई एच नहीं, डिड दे जी बेटा, डिड ही वॉक देयर, हाँ कोई बात नहीं, डिड दे वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में टहला था, क्या वे लोग सुबह में टहलते थे या टहले थे, टहलने गए थे, डिड दे स्लीप, क्या वे सोए थे, आईएनजी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसी तरह लिखते हैं ना,
है ना, गब्बर सिंह के मिस हुए कारतूस। मैंने ये कहा ना कि यहाँ पे बेटा ये स्ट्रक्चर देख के इसीलिए लिखा जाता है, आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आईएनजी लगा दिया आपने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, आईएनजी कैसे लगेगा? डिड दे स्लीप इन नाइट, हाँ बिल्कुल सोते हैं, और क्या, देखो कितनी सच बात थी लाइन में। Did they sleep in the night? Interrogative समझ गए आप लोग? बेटे पर्दे लगा दो। चलिए अब आगे करते हैं। इंग्लिश बताना, हम फंस गए। सीखने वाले ही सीख पाएंगे, तो क्या करेंगे ना, इसकी इंग्लिश बताना हम फंस गए। वो क्या होता है पता है? वो एक वर्ब होता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। स्पोकन में अगर आपको वर्ब पता है जो काम होता है, आप बोल लोगे इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 750 से 700 तक वर्ब फॉर्म्स भेज रखे हैं विद हिंदी मीनिंग, और आप मेरा विश्वास करिए उसके बाहर आप कुछ भी स्पोकन बोलेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं क्या बोलेंगे उसके बाद। लेकिन छोटे बच्चों को कम से कम 100 वर्ब फॉर्म्स याद होना चाहिए। याद होने का मतलब कि हर दिन निकालिए, पलट के हिंदी देखते रहिए ताकि आप आकर के यहां बोल पाए। द हिंदू न्यूज पेपर आप लोगों को लगाना है, ठीक है? अब जब भी आप किसी के साथ स्पोकन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ना ऐसे मत बैठ जाए, ठीक है, या कुर्सी पे चौड़े हो गए। अगर आप यहां इंग्लिश स्पोकन के लिए आते हैं तो मैं मान के चलता हूं ना कि आप अपने इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में जब जाते हैं तो कैसे हम बिहेव करते हैं? अगला आपका किराएदार थोड़ी है, रेंटर थोड़ी है जो आपको रेंट देके जाएगा, वो बॉस है। आपको अपनी बातों से अगले को खुश करना है, ठीक है ना? पहले तो बात करनी आनी चाहिए। खुश करने का तरीका हम सिखाएंगे बाद में। मिठाई पैसा नहीं देना पड़ता, बात से ही खुश हो जाता है, ठीक है? अगर आपको अपना लेवल बनाना है तो ये इंग्लिश चलती रहेगी। जो प्रिपरेशन करते हैं आप करिए। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर इस मंडे से लगाना है, या तो आप फोन पे या लैपटॉप पे सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा सस्ता है। मैंने खुद 1300 का सब्सक्रिप्शन लिया है, 1 साल का पूरा, कल ही मैंने सब्सक्राइब कर दिया द हिंदू का। अगर आप 1300 या 1600 का सब्सक्राइब करते हो तो उसमें साल भर का तो उसमें क्या हो जाएगा, और ऐसे अगर लोगे तो 1 महीने का 300 रुपए लगता है वो कागज वाले न्यूज़पेपर का। लेकिन मेरी सलाह है कि जो आदमी लैपटॉप जिनके पास नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो तो भाई न्यूज़पेपर ही मंगाए। तो लैपटॉप रहने से नहीं होगा, आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना, पैसा भी लगेगा। मतलब ऐसे नहीं कि लैपटॉप है तो इसे पढ़ लेंगे, नहीं, इसी उसी में ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब कर देते हैं, पैसा कट जाता है आपका अकाउंट से। हाँ, अकाउंट से जैसे फोन पे करते हैं उस तरह से होता है, ठीक है? आप सब्सक्राइब करिए, आप कम से कम 6 महीने 1 साल भर का सब्सक्राइब कर लीजिए, चिंता मत करिए, ये लाइफ टाइम चलेगा। कम से कम आपको 2021 तक दबा के मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ऐसे लेवल की हो जाएगी 22 तक, समझ रहे ना? ये तो मैं आपको बेस दे रहा हूं, अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ये सेंटेंस बनाना तो आप खुद बुक से भी देख लेते। द हिंदू न्यूज पेपर जब आप लेके आएंगे तो क्या करना है वो थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। कल स्पोकन से रिलेटेड अभी वर्ड मीनिंग के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे वर्ड मीनिंग हम लोग को क्या करना चाहिए। वर्ड्स देखिए, पहले आप दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है ना? मार्कर भी खरीदोगे, कैसा है मतलब? बहुत बढ़िया। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक ये भी नहीं मरेगा, पूरी पढ़ाई करेगा ना, एडवर्टाइज करेगा, सारे ई4 बट तो बताएगा। अगर कोई चीज बेचनी है, बेचनी, खैर मैं तो बेच भी नहीं रहा, मतलब कि अगर आपको मैं चाहता हूं कि आप इसको एक्सेप्ट करें तो ये तो बता देना कि कितना फायदा हो। बेटा मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करिएगा, और बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।